अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये भी टीचर है, देखो प्रोफेसर है, ये छात्र के बारे में बात कर रहा है। हमारा को लेके आया है, दोबारा साथ देंगे तुम्हें शिक्षा को। यार हम तो चाहेंगे ना शिक्षण आपने, वो टीचर कोई गुरु अपनी समस्या में आए। हम तो पुलिस वाले हैं, ये तो हम तो जाएंगे कब तक शिक्षक कोई समस्या में आए। तो मार दीजिए छात्र पानी हाथ में पकड़ा रहे थे, पैसे मैंने ये रुपए भी नहीं लिया। अरे टीआई मांग ली थी, मैंने हाथ में पैसे नहीं लिए तो मैंने मुट्ठी बांट ली। ये हम पंच साक्षी ना, चलो आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आएंगे। ये भैया लोग थोड़ी ना, अरे तुम क्या हमारी विवेचना कर रहे हो? अरे सर वो बुला के इनको महिला आरक्षक बुलाया जा रहा है, इनको बाहर करवाए। तू बाहर हो जा, मिलने दिया तो नाटक कर रहा है। चलिए बाहर हो जा, बाहर हो जा। आप हमारी कार्रवाई में सहयोग करो। फोन पैसे पकड़ा रहा था ये भैया लोग, थोड़ी ना फोन पकड़ा। अरे तुम क्या हमारी विवेचना कर रहे हो? नहीं सर वो गलत। अरे सर वो बुला के इनको महिला आरक्षक बुलाया जा रहा है, इनको बाहर करवाए। तू बाहर हो जा, मिलने दिया तो नाटक कर रहा है। चलिए बाहर हो जा, बाहर हो जा। चलो आप तो थाने में भी इन्फॉर्म करवा दो। आप लोग ये लिया हम तो बाद में हाथ में पकड़ा रहे थे, पैसे मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। और एक रुपया ही बांट ली थी, मेरे ये रुपए भी नहीं लिया। आज तो ऐसे चलो, अभी नहीं मानेगा इसको, ये तो वैसे ही सूसे ही नाटक कर रहा है। अरे बुला लो साहब, मैं देने की कोशिश कर रही, मैंने मुट्ठी बांध ली थी, मेरे एक रुपए हाथ में नहीं, मुट्ठी मैंने खोली ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आपकी सैलरी कितनी है? मेरे सब कट पिट के मुझे 75,000 मिल रहा है। अच्छा और ये 5,000 रुपए आप जो शिक्षिका से लेते थे उसका क्या? मैंने लिए ही नहीं सर, आज तक नहीं लिए, आज तक नहीं लिए। हाँ सर यार आपकी रिकॉर्डिंग है तो ये सब झूठ वाली बात है सर। मैंने नहीं लिए सर, झूठ वाली बात। अरे मेरी रिकॉर्डिंग आपको सुना दो हाँ सर। क्या हमारी विवेचना कर रहे हो? अरे सर वो बुला के इनको महिला आरक्षक बुलाया जा रहा है, इनको बाहर करवाए। तू बाहर हो जा, मिलने दिया तो नाटक कर रहा है। चलिए बाहर हो जा, बाहर हो जा। आप तो थाने में भी इन्फॉर्म करवा दो, नहीं मानेगा वो। आप लोग ये लिया हो ना, हम तो बाद में हाथ में पकड़वा रहे थे, पैसे मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। और मैंने उड़िया ही मांग ली थी, एक रुपया भी नहीं लिया। मैंने नहीं लिया था, मैंने रुपए नहीं लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आधा हाथ में पैसे लेते हुए मेरा पकड़ा था, मैंने हाथ में लिए नहीं, रुपए भी नहीं लिया हाथ में। ये मैंने मुट्ठी बांध ली थी पैसे देने की, कुछ हुआ नहीं यार। दफा क्या है, अब कार्रवाई होगी। रिकॉर्डिंग भी हमने इनके मुंह से शब्द भी निकलवा लिए। चलो 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 बेटा, चलो उठो तुम, बाहर चलो। मैंने हाथ में मुट्ठी बांध ली, जब मेरे जबरदस्ती हाथ में पकड़वा रहे थे पैसे। हां तो तुमके बाद आप पैसे मांगते थे इसलिए हमने इनकी शिकायत की। किस बात से पैसे मांगते थे आपसे? ऐसे डराते थे, धमकाते थे हमको। किस बात के लिए डिमांड करते थे आपसे? ऐसे मांग, वो तो ऐसे मांगते। कौन मांगते थे पैसे आपसे? सर मांगते थे। सर किस पोस्ट पे? सर HM सर। और आप किस पोस्ट पे? हम तो सहायक अध्यापक। कितने महीनों से आप पैसे दे रहे हैं उनको? 6-7 महीने होगा जब से दे रहे हैं सर। फिर कैसे शिकायत की आपने, कहाँ कहाँ शिकायत की थी? बस यहीं पे की थी, लोग आए तुम्हें। अच्छा कितनी सैलरी है आपकी?
कुछ कलेक्टर साहब की धमकी भी दी थी आपको क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग भी आई है क्या बोला था उन्होंने अब उनने अब बोला था सर अब बोलने में शर्म आ रही इसमें ऐसा नहीं ठीक है कितने महीनों से आप पैसे दे रहे हो उनको सर 5-6 महीने हो गए ज्यादा ही दे रहे सर अभी तक कितने पैसे दे चुके हो आप अभी 6,000 देते थे सर अभी 5,000 दिया आज हमने उनको 1,000 के बाद में दे दिया किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं अभी आप सस्पेंड सर इस स्कूल से तो नहीं रहे अब इसलिए चाहते हैं अच्छा इसके अलावा भी कोई यहाँ पे स्टाफ को परेशान वगैरह करना है इस प्रकार से ऐसी कोई बात भी आई थी क्या सामने ना व्यास मैडम ने उनको भी करा अच्छा उनसे भी तो पैसे मांगे क्या नहीं उनसे ठीक है आपका नाम और पद बता दीजिए तो मेरा नाम पद्मा बाथम सहायक अध्यापक कहाँ रहते हैं आप कौन सी मैडम सर कौन से स्कूल में आप हैं और क्या कुछ पूरा मामला है सहायक शिक्षक के पद पर हूँ प्रभारी प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और मैंने ये सर आए थे तो ये बिस्टिक ठाते हुआ आ रहा था मतलब पेपर ठाते हुआ आए इसके बाद एक और दूसरे साल आए पीछे खड़े हुए ये दोनों आए और इन्हें मेरे आने बाद में 20 साल क्या काम है तो इन्हें काम नहीं बताया और इन्हें फिर मेरे हाथ पे 5,000 रुपये पटलाने की कोशिश की मैंने दोनों मुट्ठी बंद कर ली सर मैंने दोनों मुट्ठी बंद कर ली मैंने रुपया भी नहीं लिया तो इन दोनों हाथ दोनों भैया ने एक हाथ इधर से पटला एक हाथ इधर से पटला और मैंने एक रुपया भी नहीं लिया फिर बहुत देर तक मैंने मुट्ठी खोली ही नहीं क्या इन वो 5,000 रुपये वो नीचे पड़े हुए थे फिर इन सब स्कूल के शिक्षक का आरोप है कि आपने पूर्व में भी उनको 1,000 रुपये भी नहीं लिया पेना अच्छा क्या आपके ऊपर शिक्षिका ने एक आरोप लगाया कि आपने उनसे पैसे की डिमांड करी थी मैंने कोई डिमांड नहीं करी कोई पैसा नहीं लिया और वो पैसा इन्होंने नीचे पटक दिया उनका ऐसा आरोप है कि रुपये नहीं लिया मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी सामने आई 5,000 रुपये नहीं लिया मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी सामने आई नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिया सर अच्छा आप ये बताइए कि आपने पिछले 3 महीने में शिक्षिका का आरोप है कि 3 महीने से पैसे दे रुपये भी नहीं लिया सर अच्छा क्या नाम है आपका राज कौन से पद पर आप यहाँ शिक्षक कौन सा स्कूल है ये संजय नगर मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया और वो जो है किस प्रकार की कार्रवाई हुई है यहाँ पर आपको क्या सूचना मिली थी ये प्राथमिक विद्यालय है संजय नगर का इसमें एक अध्यापिका है पद्मा बाथम उनसे यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य तिलक राज सैम थे ये काफी समय से पैसे मांग रहे थे तो उसकी जब हमने सत्यापन कराया शिकायत का तो सही पाई गई सर किस प्रकार के जी किस प्रकार की डिमांड थी मतलब किस बात उनका ये था कि आपको काम नहीं आता है तो आपके रिजल्ट भी हम तैयार करवाते हैं और काम भी हम करते हैं फिर आपके खिलाफ जांच हो जाएगी फिर कई लोग देखा पेपर में खबरें आ रही हैं कि कई को कलेक्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया है आप भी ऐसे ही सस्पेंड हो जाओगे इसलिए हमें हर महीने पैसे दिया करो 6,000 रुपये मांगे थे इन्होंने पर मंथ लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगी तो डरा धमका कर फिर ये मजबूरी बस 5,000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए एग्री हुई 4 अप्रैल को रिकॉर्डिंग कराई हमने और उसके बाद आज 8 अप्रैल को पैसे देना तय हुआ तो आज हम अपनी पूरी टीम के साथ आए और जैसे ही 5,000 रुपये रिश्वत की राशि तिलकराज सैन ने ग्रहण की आसपास लोकायुक्त टीम खुली हुई थी उन्होंने इनको रंगे हाथ सर ये शिक्षिका जो थी परमानेंट थी या टेम्पररी क्या है परमानेंट है वो 1900-2000 की या 99 की भर्ती है तो कितनी उनकी सैलरी थी हर महीने सैलरी करीब 58,000 है तो ये 5,000 देने को राजी क्यों हो गई मतलब ऐसा क्यों उनको लगा गाँव में राजी होते ही ये लोकायुक्त ऑफिस आई पहले और उसके बाद फिर जब वो नहीं मान रहे थे तो राजी होना उनको मजबूरी थी सर आगे उन्होंने लोकायुक्त में सूचना दे दी सर आगे क्या कार्रवाई रही है आगे इसमें धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 में प्रकरण दर्ज किया गया है आगे भी आपका नाम सुनील कुमार तालान DSP लोकायुक्त उच्चार